हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खानी पीनी। मेरा नाम है गिनी खत्री। अरवी के पत्तों पे से डंठल निकाला जाता है और बैटर में गुड़ इमली का पानी डाला जाता है। बैटर को पत्तों पर लगाकर स्टीम किया जाता है और इसे फ्राई किया जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अरवी के पत्तों पे से नसें निकाल लीजिए। बिना नस निकाले भी आप बना सकते हैं, पर ये खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। मैंने 14 पत्ते लिए हैं और सभी को मैंने साफ पानी से धो लिया है। हमारे पत्ते तैयार है। अब हम बैटर बनाएंगे। एक बाउल में 1.5 कप बेसन लीजिए। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच दही, 1/4 कप गुड़ और इमली का पानी डालकर बैटर तैयार कर लीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार करना है। आप चाहे तो मसाले कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। बैटर ज़्यादा पतला या गाढ़ा ना रहे इसका ध्यान रखें। अब हमारा बैटर तैयार है। अब एक फ्लैट सरफेस पर अरवी का सबसे बड़ा पत्ता नीचे रखकर इस पर तैयार किया हुआ बैटर लगा दीजिए। आपको लाइट ग्रीन कलर की तरफ बैटर लगाना है। अब दूसरा बड़ा पत्ता इसकी ऑपोजिट साइड रख कर बैटर लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा बैटर नहीं लगाना है। तीसरे पत्ते को इसके ऊपर रख कर बैटर लगा दीजिए। चौथा पत्ता ऑपोजिट डायरेक्शन में रख कर बैटर लगा दीजिए। आप अपने अनुसार 3 से 4 पत्ते या 4 से 5 पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बाजू से फोल्ड करके बैटर लगा दीजिए। और दूसरी बाजू भी फोल्ड करके बैटर लगा दीजिए। बैटर की बहुत ही पतली परत लगानी है, इसका ध्यान रखें। अब इसे रोल कर लीजिए। इसी तरह सारे तैयार कर लीजिए। में तेल लगाकर रोल को इसमें रख दीजिए। और इस पर थोड़ा सा बैटर लगा दीजिए। अब रोल को 20-25 मिनट मध्यम आंच पर भाप में पका लीजिए।
इसे चेक कर लीजिए ये पका है या नहीं। ये चक्कू पर चिपकना नहीं चाहिए। रोल को निकाल कर ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसके 1 सेंटीमीटर में स्लाइस काट लीजिए। सारे काट कर तैयार है। अब हमें इसे फ्राई करना है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लीजिए, 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच जीरा, 7 से 8 करी पत्ता, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल और नमक स्वाद अनुसार डालकर मिक्स कर लीजिए। दो से तीन चम्मच सफ़ेद तिल डालकर मिक्स कर लीजिए। अब तैयार किए हुए पात्रा डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर मिक्स कर लीजिए। स्वादिष्ट पात्रा बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। शाम के वक्त इसे आप नाश्ते में हरी चटनी या चाय के साथ खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।